हेलो गाइज एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज हम ओम्स लॉ का एक परफेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे एंड रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, साथ ही में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे विद रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हम एक सर्किट से देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एलईडी बल्ब है जिसको मुझे ग्लो करना है, एक एलईडी बल्ब भी इसको मुझे ग्लो करना है। इसको ग्लो करना है तो मुझे एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए एक मेरा एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का। अगर मैं इस एलईडी को डायरेक्ट 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा तो ये उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि हमें इसका एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज रेटिंग नहीं पता, एप्रोप्रिएट इसका करंट रेटिंग नहीं पता। अगर हम कुछ भी कनेक्ट कर देंगे तो ये एलईडी उड़ जाएगा। तो इसके लिए करंट नहीं पता हमें, वोल्टेज रेटिंग नहीं पता हमें। अगर कुछ भी इन अप्रोप्रिएट लगा देंगे तो ये एलईडी उड़ जाएगा। तो इसी यहाँ से और करंट को मैनेज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, करंट को मैनेज करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन आता है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ बताता है क्या है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो क्या होता है वोल्टेज, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ का ये रिलेशनशिप बताता है। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, मुझे यहां से करंट को फ्लो करना है, करंट को पास करना है। करंट कब पास होगा? जब मैं इसको एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करूंगा, यहां से एक वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा तभी ये यहां से करंट पास होगा। तो वोल्टेज का काम क्या होता है, फोर्स प्रोवाइड करता है करंट को कि यहां से तू इस वायर से पास हो जाए। मतलब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है, ये वायर है, वायर के दो टर्मिनल्स है। जो भी यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जो भी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको ही हम क्या बोलते हैं वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज वोल्टेज, हो गया वोल्टेज। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस है जो ओपोज करता है करंट को कि तू यहाँ से फ्लो मत हो। मतलब ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ये होगी तीनों के डेफिनेशन। तो यहाँ के ये कुछ सिंबल से भी इसको डिफाइन करते हैं। वोल्टेज का सिंबल होता है वी, करंट का सिंबल होता है एम्पियर ए, और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम। तो ये क्यू पड़े, वोल्टेज का वी, करंट का ए और रेजिस्टेंस का ओम। तो वोल्टेज का डिस्कवरी किसने किया था, एक उल्टा साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी किया था। करंट का डिस्कवरी किया था एम्पियर ने, एक एम्पियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। रेजिस्टेंस का इन्वेंशन और डिस्कवरी किया था ओम्स ने, जियोर्ज साइमन ओहम ने। तो उनका रेजिस्टेंस का इन्वेंशन जियोर्ज साइमन ओहम ने किया था। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना एक सिंबल बना लिया। तो वोल्टेज का ये लास्ट नेम था उनका, तो फर्स्ट लेटर लगा दिया। ये भी उनका लास्ट नेम था एम्पियर का, तो उन्होंने फर्स्ट लेटर यहाँ पे लगा दिया। तो उन्होंने साथ ही साथ ओम्स लॉ ने कुछ फार्मूला बताया था, एक कुछ रिलेशनशिप बताया था। वो क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखते थे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। और इसी प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए उन्होंने एक आर लगाया था। क्या लगाया था, आर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर हो गया, मतलब रेजिस्टेंस हो गया। इसका मानना क्या है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस और करंट दोनों भी बढ़ेंगे, वोल्टेज कम होगा तो करंट और रेजिस्टेंस भी कम होगे। साथ ऐसे उन्होंने और दो फार्मूले बताए थे, विथ रिलेटेड टू ये वोल्टेज हो गया, विथ रिलेटेड टू आई करंट होगा, और विथ रिलेटेड टू रेजिस्टेंस होगा। तो विथ रिलेटेड टू करंट क्या निकालेंगे अपन यहाँ से, ये क्या है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन में है करंट के। तो वोल्टेज के करंट के फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो वोल्टेज के डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो कुछ इस तरीके से हमें एक दूसरा फार्मूला देखने को मिलेगा। और विथ रिलेटेड टू रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, करंट मल्टीप्लिकेशन में ये वोल्टेज के क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो वी बाय आई रेजिस्टेंस के बारे में मिल जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूले से हमें क्या, ये तीनों फार्मूले जो ओम्स ने बताए थे,
विद रिलेटेड टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो ये दोनों भी बढ़ेंगे, वोल्टेज कम होगा तो ये दोनों भी कम होगा, लेकिन विद रिलेटेड टू करंट ये क्या बोलता है, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए ये दूसरे फॉर्मूले में करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज कम होगा, बट ये रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहां से हमें देखने को मिलता है। और तीसरे स्टेटमेंट में भी हमें लगभग सेम ही देखने को मिलता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा, बट ये करंट है और रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद ईच अदर, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज करंट बढ़ेगा। ये हो गया हमारे कुछ फार्मूलेज हो गए, ये हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय ये हमें काम आएंगे। तो ओम्स लॉ का एक परफेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वो क्या बोलता है, वोल्टेज और करंट ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या बोलता है, ओम्स लॉ का एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ओम्स क्या बोलता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर, ये क्या हो गया हमारा एक कंडक्टर हो गया, इसमें जो भी वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहाँ से, किसको प्रोपोर्शनल है, आई से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से। ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर, क्या है ये कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किससे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ इसके बाद आता है मेन टॉपिक, प्रोवाइडेड, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट। क्या बोलता है, यहां तक तो हमने देख लिया, ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, लेकिन यहां से आता है मेन पॉइंट, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट। ये ओम्स लॉ कब अप्लाई होगा, अगर ये फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तभी ये ओम्स लॉ अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। उन्होंने क्या बोला था, एक प्रोपोर्शनलिटी बताई थी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इस प्रोपोर्शनलिटी को निग्लेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया था, रेजिस्टेंस लगाया था, वी इक्वल्स टू आई आर। ये जो रेजिस्टेंस है बोलते हैं एक कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। तो क्या बोलता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी, तो इसको हमें कांस्टेंट रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी हम जो ओम्स लॉ है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक परफेक्ट स्टेटमेंट, क्या देखने को मिलता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, इसीलिए टेम्परेचर को अगर कॉन्स्टेंट रखेंगे हम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट रहेगी, तभी हम वोल्टेज ओम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं। इसका कुछ लिमिटेशंस हो गया, तो हम इस तीनों फार्मूले को यूज करके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये फार्मूले हमें लिखना है, फार्मूले कहता है विथ रिलेटेड टू वोल्टेज, फार्मूला क्या था, वी इक्वल्स टू आई आर, विथ रिलेटेड टू आई क्या था, वी बाय आर, और विथ रिलेटेड टू आर क्या था, वी बाय आर। तो ये रिलेशन भी पता चल गया हमें वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के,
तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता लेता हूँ। ये कुछ ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसको इस एलईडी को हमें ग्लो करना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएट वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग और रेजिस्टेंस की रेटिंग पता होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो ओम्स लॉ ने क्या क्या रिलेशनशिप बताया था, वोल्टेज के बारे में रिलेशनशिप बताया था, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या बोलता है हमें, जब वी वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो ये क्या बोलता है, अगर इन तीनों में से हमें दो चीजों की वैल्यू पता होगी तभी हम उसको तीसरे को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर वोल्टेज पता है 2 वोल्ट है, करंट पता है 2 एम्पियर है, तभी हम उसको तीसरा जो पॉइंट है उसको निकाल पाएंगे। मतलब जो तीनों है, तीनों में से हमें दो चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी हम तीसरे चीज को हम निकाल पाएंगे। तो हम कुछ मैं इस तरीके से तीन फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसमें जो भी करंट रेटिंग रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग है, वो लिखता हूँ, ठीक है। अगर हमें यहाँ से वोल्टेज रेटिंग पता करनी चाहिए, पता नहीं है, अगर यहाँ पे हमें पता नहीं है करंट रेटिंग कितनी है, और यहाँ पे हमें पता नहीं है रेजिस्टेंस की रेटिंग कितनी है। हमें पता है यहाँ पे करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे हमें पता है रेजिस्टेंस कितना है और वोल्टेज कितना है, ये हमें पता है। मान लीजिए यहाँ पे हमें करंट पता है और यहाँ पे क्या पता है, वोल्टेज पता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं पता है, इसको वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस पता है हमें, मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 ओहम का एक रेजिस्टेंस लेता हूँ और 2 एम्पियर का एक करंट लेता हूँ। एम्पियर की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, 6 एम्पियर, 6 ओहम। यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओहम, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट, करंट को कैलकुलेट करना है, ये हमें पता नहीं है। वोल्टेज 6 ओहम हो गया, वोल्टेज रेटिंग मान लीजिए 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे करंट की रेटिंग पता है हमें, करंट की रेटिंग मान लीजिए 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। वोल्टेज की रेटिंग कितनी है, 12 वोल्ट है, मान लीजिए 12 वोल्ट है। और हमें यहाँ पे क्या पता करना है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें वोल्टेज पता करना है, करंट पता करना है और रेजिस्टेंस पता करना है। अगर वोल्टेज पता करना है तो हमें एक फार्मूला है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, सिंपली यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 6 क्या होगा, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम अगर 12 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तब ये एलईडी ग्लो होगा, मतलब एप्रोप्रिएट करंट पता है, एप्रोप्रिएट वोल्टेज पता है, एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस पता है। यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, करंट, करंट नहीं पता है, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, करंट नहीं पता है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो करंट कितना आएगा हमारा, 6 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 6, 2 एम्पियर, यहाँ पे आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। अगर हम 2 एम्पियर प्रोवाइड करेंगे एलईडी को तो ये ग्लो होगा। और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नहीं पता है, रेजिस्टेंस के फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, वोल्टेज कितना है 12 और करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस को 12 बाय 2 कितना होगा, 6 ओहम, रेजिस्टेंस हो गया 6 ओहम। अगर यहाँ पे हम 6 ओहम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तब ये लाइट ग्लो होगा, ठीक है। तो हमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने वोल्टेज करंट और क्या रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या क्या पता चल गया, हमें एक रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया। ओम्स लॉ का एक परफेक्ट स्टेटमेंट पता चल गया, क्या है स्टेटमेंट, ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अगर आपको ये ओम्स लॉ पता चल गया कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं और क्या इसका एक परफेक्ट स्टेटमेंट होता है, अगर आपको ये नॉलेजफुल लगा होगा तो जुड़े हुए मेरे साथ। थैंक यू।